তোমরা কোথায় থাকো? পুকুরের দিকে কোথায় থাকো তোমরা? ওই দিকে থাকো। ও আচ্ছা ঠিক আছে। ये फॉरेस्ट था जिसका नाम मैंने मधुबन रखा था, और ये मधुबन का नजारा। नमस्कार दोस्तों, 2019 का पहला वीडियो में आप सबका स्वागत है। 2019 जो कि एक नया साल है, और इस नया साल में आपको और आपकी परिवार को ढेर सारी तरक्की और खुशियां मिले, यही उम्मीद करता हूं। आप जिस प्रोफेशन में हो, चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, उस सेक्टर में आपको ढेर सारी खुशियां मिले 2019 में, यही उम्मीद रखता हूं। मैं एक शानदार जगह पे हूं, और इस जगह से आप तक 2019 का हैप्पी न्यू ईयर का विशेस भेज रहा हूँ। 2019 जो कि एक नया साल है, और इस नया साल में हम सब ने बहुत सारे रेजोल्यूशंस रख के रखा है कि हम इस नया साल में ये काम करेंगे, हम उस नया साल में वो काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम यहाँ घूमने जाएंगे वहाँ घूमने जाएंगे, बहुत सारे ऐसे काम जो हम करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रहा है जो कि बहुत बड़ी इशू सकता है, जैसे कि पेट्रोल की कमी, पानी की कमी, हर साल तक ऑक्सीजन भी कम हो रहा है हर साल हर दिन इस दुनिया से। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का भी हम सामना करेंगे 2019 में। 2018 में जैसे मैंने वीडियो डाला था, जहाँ पे जैसे मैंने घूमने चला जाता था, कहीं भी नॉर्मल डे लाइफ व्लॉग करता था, उसी तरह मैं व्लॉग करूँगा, लेकिन 2019 में मेरा व्लॉग थोड़ा अलग सा होगा। कैसा? मतलब 2019 में मैं कोशिश करूँगा, हमारे सोसाइटी का छोटी छोटी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिस पे कोई नहीं गौर कर रहा है, मैं उसी प्रॉब्लम्स को आपके सामने पेश करूँगा। कोशिश करूँगा कि उस प्रॉब्लम्स का जड़ तक जाने के में, और उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस क्या हो सकता है उसके बारे में। इसमें जैसे खुशियां भी है उससे प्रॉब्लम्स भी है, तो इस साल मैं खुशियां करूंगा और प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करूंगा। मेरे ब्लॉग्स में 2019 में आपको कुछ प्रॉब्लम्स, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे हम। 2019 में अगर हम एक अच्छा कदम ले सकते हैं, तो 2020 में जाके हम लोग एक अच्छे दुनिया अपने आने वाले जनरेशन को गिफ्ट दे सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं जहाँ पे हूँ उस जगह में आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ देखने को मिल जाता है, हर तरफ साफ सुथरा रास्ता। बहुत दिनों से मेरा इच्छा था कि इस जगह पे आके एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये एक गवर्नमेंट का फॉरेस्ट है, जैसे कि आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे हर एक पेड़ में नंबर लगा हुआ है। यहाँ पक्षियों का गूंज सुनने को मिल जाता है ना, तब सच में बहुत अच्छा लगता है। इतने बड़े बड़े पेड़ों के बीच मैं अभी खड़ा हूँ, लग रहा है कि मैं सच में जन्नत में हूँ। शानदार जगह है ये जगह, एकदम शांत। अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उसका नाम मैंने मधुबन रखा है, मधुबन। हालांकि ये एक साल पेड़ का वन है, पे हर तरफ साल पेड़ है, साल ट्री है, लेकिन मैंने इसका नाम मधुबन इसलिए रखा है कि अभी अभी ना एक मधुमक्खियों का झुंड यहाँ से उड़ के उधर गया है। मतलब मुझे लग रहा है कि आसपास कहीं ना कहीं मधुमक्खियों का घर भी है, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मधुमक्खी आके मुझे डंक ना मार दे, तो इसलिए मैंने इसका नाम मधुबन रख दिया, ताकि मधुमक्खियों का ना
कुछ तसल्ली हो जाए। साल पेड़ हमारा साउथ बंगाल में बहुत ही फेमस पेड़ है और साल पेड़ से हम जितने भी सारे लोग हैं उसका इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि साल पेड़ के पत्तियों से लोग प्लेट बनाते हैं। साल प्लेट में हम लोग जब भी पिकनिक करते हैं तो साल प्लेट का यूज़ करते हैं। अभी तो फिलहाल थर्मोकॉल और प्लास्टिक का प्लेट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि साल पेड़ की पत्ते का जो प्लेट है उस प्लेट में खाने का जो आनंद है वो कहीं थर्मोकॉल प्लास्टिक या फिर चाइनीज प्लेट थर्मोकॉल प्लास्टिक या फिर और दूसरी चीज से बनी हुई प्लेट में खाने का आनंद से कई गुना ज़्यादा है साल की पत्तियों से बना हुआ प्लेट में प्लेट के अंदर खाने में। ठीक है, बहुत शांत है अब तक तो आपको सिर्फ शांति जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन वेट कीजिए मैं कुछ और भी चीज़ आपको दिखाऊंगा। हरियाली, ग्रीनरी, बहुत सारे पेड़, बहुत सारे खूबसूरत जगह, पक्षियों का गूंज, परिंदों की गाना, ये सब सुन रहे थे। तो चलिए अब चलते हैं प्रॉब्लम के पास। 3, 2, 1 एंड दिस इज द विलेन। मुझे ये विलेन लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे शहर में जितने भी सारे डस्टबिन हैं, जितने भी सारे गार्बेज हैं, वो यहाँ एक गवर्नमेंट फॉरेस्ट के पास ही फेंका जा रहा है। इस वक्त मैं इस प्रॉब्लम्स की समुंदर में डूबा हुआ हूँ और प्रॉब्लम्स का समुंदर को आपको दिखा रहा हूँ कि ये समुंदर कितना गहरा है। मेरे पीछे उतनी खूबसूरत जो जंगल है जहाँ पे आप पिकनिक करने के लिए सोच रहे थे कि अब मैं आऊँगा वहाँ पे पिकनिक करने के लिए, उसी के पास अगर ऐसा डस्टबिन रहेगा तो क्या आप आओगे यहाँ पे पिकनिक करने के लिए? देखो, मैं किसी का ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, किसी भी सरकारी पार्टी का ब्लेम नहीं करना चाहूँगा। मुझे जो हर्ट किया मैं वहीं आप लोगों तक शेयर किया, मेरा किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छा नहीं लगा मैं वहीं आपसे शेयर किया। अब आपके ऊपर है कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हो या फिर हम मिलके क्या कर सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं हमारे सोसाइटी के अंदर जो कि हम चाहें तो इसको सुधार सकते हैं। मुझे कुछ कहना नहीं इसके बारे में, आप समझदार हैं, आप सब समझते हैं। तुमरा कोथाय थाको? पुकुर दिखे कोथाय थाको? तुमरा ओ दिखे थाको? ये टाटा भाई भाई हो गया जो डस्टबिन का समुंदर, इसको टाटा भाई भाई का जो सॉल्यूशंस क्या है इसके बारे में मैंने नोटिस किया है, तो चलिए उस चर्चे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही चुका है कि मैं किस प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा हूँ मेरा पहला वीडियो में। 2019 का पहला वीडियो में मैं ऐसा ही इशू लेके आना चाहता था आपके सामने जो कि सच में एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम्स का हल क्या है और इस प्रॉब्लम में हम क्यों हैं, चलिए इसके चर्चे में थोड़ा बात करते हैं। क्यों एक प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इसलिए है कि हम जितने गार्बेज या फिर जितने डस्टबिन या फिर जितने कचरा हम जंगल में फेंकेंगे तो जंगल का जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा। जंगल में मैं और आप इसलिए जाते हैं कि हम वहाँ से कुछ ताज़ी हवा ले सकें, अच्छी ऑक्सीजन ले सकें, अपना हेल्थ अच्छी तरह बना सकें, इसलिए हम लोग जंगल में या फिर गार्डन में घूमने जाते हैं। लेकिन हम अपना ही घर का जो कचरा है वो जंगल में फेंक रहे हैं, फिर हम जंगल में जाते हैं अपना हेल्थ ठीक करने के लिए, ये तो एक नॉनसेंस वाली बात हो गया। दूसरी बात ये है, जंगल का एनवायरनमेंट ख़राब होने के साथ साथ यहाँ जंगल में जितने भी सारे एनिमल्स रहते हैं, चाहे वो परिंदे, पक्षी या फिर बहुत सारे कीड़े मकोड़े जितने भी सारे रहते हैं, उसके लाइफस्टाइल में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है। नंबर 3, आप अगर गूगल में जाके देखोगे कि हमारा जो कैपिटल है दिल्ली के अंदर बीचों बीच एक जगह है जहाँ पे इतने सारे डस्टबिन हम लोगों ने, तो उस डस्टबिन जम के एक पहाड़ जैसा बन चुका था और उस पहाड़ वो डस्टबिन के पहाड़ के आसपास मतलब 2 किलोमीटर के अंदर जितने भी सारे बच्चा पैदा हो रहे थे वो बच्चा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्थ इशू लेके पैदा हो रहे थे। मतलब कि उस बच्चों में जॉन्डिस पाया गया था, उस बच्चों में सफोकेशंस का प्रॉब्लम पाया गया था, यहाँ तक कि कैंसर जैसा डेंजरस बीमारी का भी
नमूना उस बच्चों में से पाया गया था। तो ये जो कचरा हम जंगल में फेंक रहे हैं, इनसे क्या हो रहा है, यहाँ का आसपास जितने भी सारे लोग हैं उन लोगों का हेल्थ में भी एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ये तो गया प्रॉब्लम्स की बात, अब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस क्या है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का यूजेस कम करना ही है 2019 में। प्लास्टिक एक ऐसा चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। आप अगर बाज़ार से प्लास्टिक लेके आते हो, चाहे कुछ भी सामान लेके आते हो, या फिर बिस्किट पैकेट हो, या कुछ भी सामान लेके आते हो, आप सामान का तो यूज़ कर लेते हो, लेकिन जो प्लास्टिक रहता है वो आपको मालूम है लाखों सालों में भी वो ख़राब नहीं होता है, लेकिन वो क्या ख़राब करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर देता है। इसके अंदर अगर हम प्लास्टिक के यूजेस 1% भी कम कर देते हैं तो 2020 में जाके ये धरती बहुत खूबसूरत बन सकता है। नंबर 2 क्या करना है, वेस्ट मैनेजमेंट। ये वेस्ट मैनेजमेंट है क्या, और ये वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट हमारे विश्व में बहुत सारे देशों में वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट है जो हमारे घर के अंदर गार्बेज है, या फिर हमारे घर के अंदर जो कचरा है, उसी कचरा को रिसाइकिल करके कुछ नया क्रिएटिव चीज़ हम बना सकते हैं। स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, जहाँ तक अमेरिका जैसा देशों में भी वेस्ट मैनेजमेंट अब बहुत पॉपुलर हो रहा है। मुझे उम्मीद है हमारे देश का सरकार भी इस वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ स्टेप लेने वाले हैं। रोम के अंदर वेनिस बोल के एक जगह है जहाँ पे सिर्फ कचड़े को लेके ही उसको रिसाइकिल करके उससे इलेक्ट्रिक का सुविधा वहाँ के सिटीजन, वेनिस का सिटीजन जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। तो 2019 में हमें कुछ ऐसा करना है ताकि 2020 में जाके हम अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। 2019 का पहला वीडियो में ऐसा ही कुछ सीरियस इशू लेके आना चाहता था जो मैंने आपके सामने लेके आया। अब आपके ऊपर है, अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा या आप बता सकते हो, या सल जितने भी सारे जिम्मेदारी है उसको लेके हम लोग क्यों नहीं सीरियस हैं। हम लोग छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हमको लेना चाहिए। फॉरेन में हर एक सिटीजन अपना अपना जिम्मेदारी लेके अपने देश को नंबर 1 बना सकते हैं, तो क्यों ना हम और आप मिलके हमारे देश को क्यों ना अच्छा बना सकें।